नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल तक सब ठीक है, सब ठीक है कर रट्टा मार रहे इमरान ने पोरकियों का भट्टा बिठा ही दिया। शुरुआत में तो यही दिखाया गया है कि पाकिस्तान का पिछवाड़ा उठाओ अभियान इनकी नैया पार करा ले जाएगा, मगर जब यह तरकीब काम नहीं आई तो बात हुरों के मिलन तक जा पहुंची। पर इमरान ने यहां भी ऐसा दांव चला कि टोपीबाज एक एक करके हुरों की तलाश में जाते रहे, पर पाकिस्तान के आंकड़े कछुआ चाल से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ सके, परंतु यह सारा खेल ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। अब हालत यह है कि मुल्ला जी की बांग मुर्गे की टांग बन गई है, जिस पर कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है। मस्जिदों में पिछवाड़े उठाने वाले लापता हैं, पाकिस्तानी मौलाना गंजे होकर कोरोना का रहस्य तलाश कर रहे हैं, जबकि इमरान खान तहमत लहराकर ऐलान कर रहा है कि कोरोना खान 6 महीने से 1 साल का मेहमान बन चुका है, इसलिए पिछवाड़ा उठाओ अभियान यहीं पर खत्म कर दीजिए। पर खत्म कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कोरोना वायरस टोपीबाजों के पीपे को तेल में नहीं नहाएगा इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। दुनिया के 7 में से 6 महाद्वीप इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के विकसित देश भी अब तक इससे निजात नहीं पा सके हैं। ऐसे में पाकिस्तान बच जाएगा यह मुश्किल ही लगता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के वर्तमान 57 सदस्य देशों में यदि पाकिस्तान की तुलना करें तो इस सूची में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। OIC के शीर्ष 10 देशों में तुर्की ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसके बाद कतर यूएई इंडोनेशिया बांग्लादेश मिस्र मलेशिया और कुवैत का नाम शामिल है। खास बात यह है कि दुनिया के सर्वाधिक कोरोना पीड़ित देशों की सूची में 2 इस्लामिक देश शामिल है, इनमें तुर्की 8वें नंबर पर और ईरान 10वें नंबर पर शामिल है। पाकिस्तान में पिछले 72 घंटों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, यहां इतने समय में 4,500 केस सामने आए हैं, जबकि 130 से ज्यादा टोपीबाज उठ गए हैं। पाकिस्तान में 5 मई दोपहर तक 21,501 टोपीबाज संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, 486 हुरमिलन अभियान का हिस्सा बन गए हैं। यहां पर सबसे अधिक चपेट में पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान इस्लामाबाद और गिलगित बाल्टिस्तान है। इसके अलावा कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है, पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने के पीछे या मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था नहीं होना है, इसकी वजह से भी या मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। कल कराची में डॉक्टर फुरकान को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी कि क्योंकि उसे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पाई थी। पाकिस्तान के ज्यादातर अस्पतालों के बुरे हालात हैं, उसके पास कुल 1700 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, मगर यहां अस्पतालों में मरीजों को बेड तक ही मयसर नहीं है। डॉक्टर फुरकान के परिजन 2 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें वेंटिलेटर नसीब नहीं हो सका। बाद में फुरकान ने अपनी जान गंवा दी। यह केवल फुरकान की ही कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे ना जाने कितने बदनसीब हैं जो वेंटिलेटर की कमी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। पर इसी बीच भारत के अग्रणी मित्र इजराइल ने एक बड़ा ऐलान करके सारी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेडनेट ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री बेनेट के मुताबिक यह एंटीबॉडी मोनोक्लोन के तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का चरण पूरा हो गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट अब इस टीके को पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। हालांकि रक्षा मंत्री ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि क्या इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। अगर इजराइल का यह दावा सही है तो दुनिया के लिए उम्मीद की किरण खुल जाएगी। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 2,53,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 36 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसानों पर सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है। उधर चीन और अमेरिका में भी इंसानों पर बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत की भी कई कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, जबकि पाकिस्तान मदरसे में गर्दन पटकने की कला का निखार कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।